नमस्कार दोस्तों, बी ब्लॉगर में आपका स्वागत है। अभी हम लोग आ चुके हैं वैशाली के मतलब टूर प्लेस पे। तो यहाँ पे काफी ज्यादा देख सकते हैं कि भीड़, लोगों का जो भीड़ है काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है। और अभी हम लोग टेडी बियर के साथ प्रैंक करने वाले भैया से मिलेंगे और बताएंगे कि भैया आज ये यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं या इंस्टा पर, तो इनका जो वीडियो है आज मैं इनसे मिलूंगा और बताऊंगा। अगले भैया बताइएगा कि आपसे कौन सा चैनल पे वीडियो बनाते हैं भैया? टेडी क्रेजी। तो भैया का एक चैनल है जो टेडी क्रेजी है, और मैं आपका भाई विराट विशाल यादव अभी मैं दिखाने वाला हूँ गाइस कि देख सकते हो काफी ज्यादा यहाँ पे लोग है। और यहाँ भैया का यूट्यूब चैनल है जिसमें जो बहुत ही इंटरटेनमेंट के लिए, आप लोग के लिए, आप लोग के खुशी के लिए, भैया हंसने के लिए, और बहुत ऐसा है यहाँ पर दिखाया कि जो भैया का जो चैनल है काफी ज्यादा खूबसूरत और बढ़िया लुक दे रहे भैया आपको इंटरटेनमेंट के लिए, भैया इतना मेहनत करके। तो भैया को चैनल पर जाए और भैया को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों का जमावड़ा हो चुका है, और टेडी के साथ जो है वीडियो, हर कोई फोटो और वीडियो करना बहुत पसंद करते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको इंटरटेनमेंट देता है, हर किसी को खुशी देता है, तो उनसे मिलना कुछ अलग ही रहता है बेहद। तो देख सकते हो कि अभी हमारे वैशाली जिला में कुछ ऐसा भी टूर प्लेस है, हमारा बिहार में कुछ ऐसा भी टूर प्लेस है जहां हम लोग घूम कर मजा ले सकते हैं। आज का 1 जनवरी है और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं और घूमना पसंद करते हैं। और देख सकते हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों का जो भीड़ लग चुका है, हर कोई लोग मिलना और घूमना पसंद करता है। आइए मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और बताइए भैया आप ऐसा पसंद घूमने में? यहाँ पे मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ देख सकते हो 1 जनवरी का जो सीन है काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो और भैया से बात करते, कैसा लग रहा है आपको वैशाली का टूर प्लेस घूमने में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए यहाँ पे घूमने के लिए? बिशनपुरा से। बिशनपुरा? बिशनपुरा बगल से ही है जी। तो आपको तो यहाँ का जानकारी काफी ज्यादा होगा? डेली नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। यहाँ पर हर समय इतना ही भीड़ रहता है या अलग अलग भीड़ रहता है? कभी कभी नहीं रहता है, यहाँ पे भीड़ नहीं रहता है, बस कोई फेस्टिवल वगैरह हो तभी यहाँ पे भीड़ रहता है जी। तो भैया आप बताइए कि आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा फील हो रहा है इतना लोगों के साथ मिलने के बाद? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा, गुड फीलिंग, गुड फीलिंग, गुड फीलिंग, गुड फीलिंग। तो देख सकते हैं गाइस कि हमारे जो भैया यहाँ पे 1 तारीख को सब लोग आते हैं और यहाँ पे घूमते हैं, जो हमारा टूर प्लेस है। आए आप भी वैशाली का आनंद ले। जय हिंद भैया को यूट्यूब चैनल को। नमस्कार दोस्तों, बी ब्लॉगर में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग आपके लिए वीडियो लाए हैं जो कि वैशाली से है। अब देख ही सकते हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो भीड़ है, यहाँ पे आज 1 जनवरी के लेके काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ का जो सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे टूर प्लेस एक तरह से मानिए तो बिहार का काफी ज्यादा सबसे अलग है। तो हमारे बिहार में आए, आप भी को भी मौका मिले तो कभी, लेकिन खास करके यहाँ पे 1 जनवरी को काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ रहता है। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो भीड़ है 1 जनवरी के लेके, इसके बाद यहाँ पे उतना ज्यादा भीड़ नहीं रहता है जितना आज है। तो आपको भी मौका मिले, आप भी आए बिहार, बिहार में आए और आप आके वैशाली का मजा ले सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारा बिहार का ये इतिहास है, जो काफी ज्यादा खूबसूरती है हमारे बिहार का, कुछ लोग कहते हैं बिहार में कुछ नहीं है। तो आइए हमारे बिहार में और यहाँ पर जो जो टूर प्लेस है घूमे, मजा ले। यहाँ पे हर बिहार में आओगे तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, जो कि आपको बेहद ज्यादा मोटिवेट फील करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े इतिहास हमारे बिहार से उठती है। तो आए बिहार में, मजा ले, टूर प्लेस घूमे और काफी ज्यादा यहाँ इंटरटेनमेंट फुल होने वाला है। तो गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे अभी काफी ज्यादा जो भीड़ है और ये भीड़ का मजा लेना है, तो आप भी आए बिहार में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों मैंने आगे बताया ही आपको कि जो ये टूर प्लेस है वैशाली का, काफ़ी ज़्यादा आज यहाँ पे भीड़ का जो सामना करना पड़ रहा है। गाइस ये हमारे बिहार में ऑलमोस्ट माने तो एक तरह से 1 जनवरी को सिर्फ भीड़ लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जितना जो भीड़ है, मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लोग भी मजा ले सके। अगर आप कहीं अलग टूर प्लेस जगह 1 जनवरी को जाना पसंद करते हैं, वैशाली नहीं आ पाते हैं, तो मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ गाइस, ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ का सामना और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मोमेंट है यहाँ पे। तो अगर आपको मौका मिले तो आए और 1 जनवरी को बिल्कुल आए यहाँ पे, मजा ले। देख सकते हैं कि ये हमारा बाजार है जो मेला लगा चुका है यहाँ पे 1 जनवरी के लेके। काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे लकड़ी का सामान और हर प्रकार के यहाँ पर डेकोरेशन करके जो सामान बनाया गया है। तो गाइस देख सकते हो क्या यहाँ पे बिहार में एक चीज़ अलग चीज़ है, यहाँ पे कलाकारी सबसे अलग होती है। यहाँ जो बिहार में खुद के द्वारा बनाया गया कुछ लकड़ी का सामान है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने के बाद वो क्या बोलते हैं, फील अजब का वो फील होता है। तो गाइस मैं आपका भाई विराट विशाल यादव
मैं आपसे विनती करता हूँ गाइस कि मेरा चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब दे देने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है, तो गाइस मैं बता रहा था पहले हाँ कि आपको एक लाइक सब्सक्राइब दे देने से मेरा कुछ आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन मेरा बहुत कुछ हो सकता है। तो गाइस आप हमें एक लाइक सब्सक्राइब जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होगा लेकिन मेरा बहुत कुछ हो सकता है। गाइस तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आए वैशाली और 1 जनवरी को या अभी भी जब मेला लगे तब, क्योंकि ऐसे दिन में उतना भीड़ नहीं रहता जितना आज है। आज गाइस देख सकते हो यहाँ पे हर प्रकार, अभी हम लोग मंदिर के ऊपर में आ चुके हैं, देख ही सकते हो यहाँ पे भी काफी ज्यादा जो भीड़ है, और देख सकते हो कि नीचे में काफी ज्यादा और भीड़ यहाँ से जो बढ़िया से यहाँ से दिख रहा है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है, और 1 जनवरी के लेकर लोग यहाँ पे काफी ज्यादा आना पसंद करते हैं। और यहाँ के बाद एक और भी घूमने वाली जगह जहाँ मैं ले जाऊंगा आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग मंदिर के ऊपर में आ चुके हैं, अभी दिखाएंगे इधर इधर दिखाइएगा कि जो लोग यहाँ से आते हैं, और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं वैशाली घूमने के लिए, जो ये बिहार का इतिहास है हमारा, जहाँ पर लोग काफी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, जो हमारे बुद्ध भगवान का जो मंदिर है यहाँ पे, तो लोग आते हैं यहाँ आते हैं राजगीर आते हैं घूमने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं वैशाली से हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो वीडियो है आप इतना शेयर करें ताकि जो कुछ लोग को पता चले कि जो हमारे बिहार में भी कुछ टूर प्लेस है, घूमने की जगह है, और बहुत काफी जगह यहाँ पे घूमने की जगह है। देख सकते हो अभी हम लोग मंदिर के ऊपर में आ चुके हैं। दोस्तों ये बिहार का इतिहास है, तो आए यहाँ पे मजा ले। अभी हम मंदिर का जो पूरा मैं भ्रमण करके चारों तरफ से आपको दिखाते रहूंगा कि भीड़ क्या है। इधर दिखाइएगा, देख सकते हो कि यहाँ पर जो भीड़ है काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं देखने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग मंदिर से बाहर निकले और बाहर मेला में सफर का मजा ले रहे हैं। आप देख ही सकते हो कि काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है, लोग का जो यहाँ पे देख ही सकते हो कि चारों तरफ लोग आए हुए हैं, कुछ कपल्स वगैरह भी हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब फैमिली वगैरह भी है, हर प्रकार के यहाँ पे लोग आते हैं 1 जनवरी को वैशाली का जो आनंद लेने के लिए। देखिए मेरे साथ विक्की है और राजीव, बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड लोग भी हैं, हम लोग भी 2-3 बंदे से गए थे। गाइस तो यहाँ का जो नज़ारा कुछ अलग ही है, आज का जो नज़ारा है बिल्कुल सबसे अलग है। तो आप भी आए वैशाली और ये देख सकते हो कि क्या खूबसूरत नज़ारा भाई, हर प्रकार अलग अलग देख लो। तो ये जो कुछ माला वगैरह है हर प्रकार का यहाँ पर गला में पहनने वाला है, कुछ इसी में चिल्लर वगैरह लोग हैं जो पी 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 बजा बजा के लोगों को परेशान कर रहा है। तो गाइस देख सकते हो कि ये जो भीड़ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसी में है मुखौटा, ये जो देख रहे हो इसका अलग ही क्रेज़ है। गाइस ये जो क्रेज़ है इसका अलग ही है मुखौटे वाले को। तो गाइस देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, और अभी हम लोग जो ये दिखा रहे हैं आपको बिल्कुल पूरा बाज़ार का जो मैं सीन दिखाऊंगा आपको, दिखाते रहूंगा जहां तक हमसे हो मैं आपको बिल्कुल दिखाते रहूंगा। और ये क्या हो भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है। इसमें पहले भी इसको थोड़ा स्वैप कर चुका हूं क्योंकि, और इसमें मैं पूरा इसका स्वैप करूंगा कि जो ये क्या है, गन वाली पेन है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ले जाने के बाद डेकोरेशन करने की चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलती है, और कम मन मानो तो यार सबसे सस्ता रेट में मिलता है इधर में। और ये जो क्या भाई क्या नज़ारा है यहाँ पे लोगों का, जो आज भीड़ देख के मेरा तो मन भाई बहुत खुश है। आप भी आते तो आप भी बिल्कुल बहुत खुश हो जाते। देख सकते हो ये बाज़ार यहाँ पे बैग भी, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग भी जो है फोटोग्राफिंग भी करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो टैडी वैडी भी, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया टैडी भी जो देख सकते हो। गाइस मैंने 12 वाला टैडी से इससे पहले ही मैंने फर्स्ट में ही मिला दिया था, और अभी छोटा वाला टैडी और कुछ पहनने वहनने वाली काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पे समझ सकते हैं। चश्मा यार हर एक प्रकार का देख सकते हो यहाँ पे चश्मा है, और ये क्या ये गजब का सीन यार, ऐसा सीन वो कभी कभी देखने को मिलता है। गाइस आप भी आए वैशाली और मजा ले, मैं आपका भाई इसी में छोटे बच्चे गन भाई गन भी ट्राई कर रहा है, और मेरा दोस्त यहाँ पे देखो लेना साले को कुछ नहीं है फिर भी इसमें आ गया है, और थोड़ा मोड़ा ये रिंग वगैरह लेने आया है यहाँ पे, और लेना इसको है कुछ नहीं, बस इसको बस दुकान वाले को सिर्फ परेशान करेगा, देखेगा 10 प्रकार का सामान चला है, लड़का लोग का यही होता है ना दोस्ती, लेगा कुछ नहीं। देखिए हाँ चोरी करने का प्लान बना रहा है इसका, बात सुनिए गौर से क्या बोल रहा है, सारे सब हरामी लोग सब है, ये था कुछ नहीं बस ऐसे प्रैंक करते रहता है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन फील होने वाला है और हो रहा है। तो गाइस मैं बाहर तक निकलूँगा और आपको जो है पूरा दिखाते रहूँगा जितना ज़्यादा हो सके। ये पगला के देख लो, वीडियो बनाने के लिए बोलता है
और छिपते रहता है हर समय। यही हमारा दोस्त लोग है, ये जो परेशान करने में लोग आगे हैं। ओहो क्या गाइस क्या सीन है यार। मैं फिर मिलते हूँ, मिल दिखाते रहूँगा जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको। दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा देखे, बहुत देर हो गया घूमे घूमे, तो हम लोग देखे थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। तो अभी हम लोग स्टॉल के पास रुके हैं और यहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे जो घूमने वाली जगह है वहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ्रेश और यहाँ पर नीट एंड क्लीन है, तो यहाँ पे हम लोग को जो है ना नीट एंड क्लीन रहता है, तो हर लोग को जो खाने का इच्छा करता है। तो आइए हमारे बिक्की देखो, ये साले चूतिया है, ये कभी कभी मेरे साथ भी वो करते रहता है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ खाने का जो प्रबंध करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग ब्लॉगर 420। तो कैसे हो मैं आपका भाई। अभी हम लोग गाइस वैशाली में आ चुके हैं, देख ही सकते हो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है गाइस। हम लोग अभी पैदल चल चल के थक गए हैं पूरा, अभी हम इधर घूम रहे हैं गाइस, देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर पैदल चल चल के थक गए हैं पूरा। गाइस देख सकते हो अभी हम लोग वैशाली से जो घूम के यहाँ से जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो ये जो बंदा है सबसे अनीड़ा है, ये साले सुधरने वाले नहीं है, हमारा दोस्त ही है सब साले सुधरने वाले नहीं है। गाइस तो ये मेरा दोस्त है और ये अभी देख सकते हो कि यहाँ पे लड़की लोग जो आगे हैं इन्हें परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग बाजा बजा कर पिए पिए पीने भी परेशान कर रहे थे। कुछ ऐसे ऐसे बंदे से भाई भेंट हो जाता है जो बंदा क्या ना मूड ऑफ कर देता है। तो देख सकते हो अभी यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा खिलौना वगैरह हर प्रकार के यहाँ पे, और कुछ खाने का भी यहाँ पे भाई बंदोबस्त किया गया है जो आपको जो हर मेला में आपको मिलता है। और यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पान और बिस्किट, जो नाइट्रोजन बिस्किट और नाइट्रोजन पान ये सब मिलता है। और ये क्या भाई क्या गजब का खूबसूरत जगह है। ओ भाई यार बौद्ध मानो तो यार वैशाली में आप जहाँ भी घूमोगे, हाँ बौद्ध के नाम से ही अधिकांश आपको हर चीज़ मिलेगा, तो बौद्ध के नाम से ही मिलेगा। और भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ी के लग जाने से भीड़ का जो है ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और देख सकते हो गाइज मैं आपको अलग अलग एंगल से वीडियो में आपको दिखाते रहूँगा, मैं आप मेरे साथ जब जुड़ोगे तो मेरा अधिकांश वीडियो जो अलग अलग। अभी मेरा भाई जो है ये राजीव देख सकते हो कि अब ये कुछ खाने वाले जो चने का जो एक कुछ मैंने भूंजे की तरह बनाया होता है, चना का जो भूंजा बनाया जाता है वो खाए हैं। हम लोग भाई गांव से बिलोंग करते हैं और हर प्रकार के खाने पीने का सामान जो है जानते रहते हैं। देख सकते हो गाइस ये जो नेपाल माने तो ऐसा नेपाल में ज़्यादा करके आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मतलब माने कि ये नेपाल का ही मतलब काफ़ी ज़्यादा ही मिलता है नेपाल में। गाइस इसके बारे में ये मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि इसके बारे में पता नहीं फिलहाल, लेकिन गाइस ये होटल है, ये कोई मंदिर वगैरह नहीं है, ये होटल है। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक है इसका, आप देख ही सकते हो। मैं आपको और आगे से एंगल चेंज करके दिखाते रहूँगा। और मैं गाइस ये जो मैं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है आज वैशाली का जो टूर प्लेस। तो गाइस आए मज़ा ले इसी के साथ, और आपको भी मिला मौका मिले तो नेक्स्ट देख सकते हो मेरे साथ जो ये बंदा है एक पीछे वाले का जो गुब्बारा तोड़ दे सकते हो। देख सकते हो गाइस ये एक अनेरापंथी का हद होता है, ये भाई ने पूरे हद को भी तोड़ दिया है, देख सकते हो ये पगला को। ये मेरा दोस्त है, ये सुधरने वाले नहीं। और गाइस ये यहाँ पे है फूड प्लाजा जो है, यहाँ पे जो खाने पीने का जो मैं बताया था पहले ही, जो ये फूड प्लाजा है यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको मिलेंगे अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको मिलेंगे। और भाई जो रेट है वही रेट में मिलेंगे, आपको गलत नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। ये भी देख सकते हो गाइस ये भी होटल है, और मैंने बताया था पहले ही कि जो ये मंदिर की तरफ दिखने वाला है ये भी होटल ही है, बिल्कुल गाइस होटल है, आप भी आ सकते हैं और यहाँ मज़ा ले सकते हैं। ये मतलब कहें ना शादी ब्याह